अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल खान। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि मैंने शीघ्र पतन, नामर्दी और धातु रोग, स्वप्न दोष ऐसे बहुत सारी बीमारियों पे बहुत बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो उन लोगों के काम आए जिनकी 8 8 10 10 साल शादी को हो गए लेकिन उनको बच्चों नहीं हो रहे। ठीक है, मतलब उनके शुक्राणुओं में कमी है, उनकी बीवी ठीक है ना, तो उनको कोई मतलब बल्कि यूट्रस है ना, कोई पीसीओडी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम नॉर्मल है, सारी जांचें, हार्मोन सब कुछ सही है। जब आदमी की जांच करवाई तो उसके स्पर्म में क्वालिटी या क्वांटिटी में कमी आ रही है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, एक मतलब एक जड़ी बूटी बताने वाला हूँ जो जड़ी बूटी सबकी बाप है। मतलब सारी जड़ी बूटी एक तरफ और वो एक तरफ, इतनी ज़्यादा मुफीद है कि मैंने जिस फार्मूले में वो जड़ी बूटी डाल के दी है वो आदमी बाप बना है, अगर उसकी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है, वो इतनी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, बस ये मान लीजिए आप, और वो कोई इतनी महंगी भी नहीं होती, कोई सस्ती, मतलब एक मीडियम रेंज में होती है जो आप आराम से परचेस कर सकते हैं। हम लोग तो उसे खरीदते भी नहीं, ऐसे ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कभी खरीदना ही नहीं पड़ा, हमें पता है कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है, क्योंकि हम खानदानी वैद्य है ना, तो इसलिए सब पता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी कोई मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए, जिससे आपका नॉलेज गेन हो और आपके मैं काम आ सकूं। कोई भी बीमारी हो सकती है, मैं तो हर बीमारी पर वीडियो बनाता हूँ, वो सेक्सो पे जो सेक्सुअल रिलेटेड भी बीमारियाँ होती हैं उस पर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, वो अलग बात है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे और लाइक कर दिया करो पहले, क्योंकि बाद में भूल जाते हो, वीडियो देख के पर चले जाते हो, क्योंकि लाइक से फ़र्क पड़ता है यार, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम जैसे यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, मैं तो एक छोटा मोटा यूट्यूबर्स हूँ, डॉक्टर कैसा भी हो लेकिन यूट्यूबर्स तो मैं भी छोटा ही हूँ, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं और बता देते हैं जड़ी बूटी का नाम। तो जड़ी बूटी का नाम है शिवलिंगी के बीज। इसे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता। फिलहाल मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, अब आप पहचानिए कि आपके राज्य में इसे क्या बोलते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो आप किसी पंसारी की दुकान पर जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे बीज, या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब की पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जड़ी बूटी जो है आपके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा देगी, शुक्राणुओं की मोटिलिटी, हेड टेल सब कुछ सही कर देगी, मतलब कुल मिला के आपके शुक्राणु के साथ उसकी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये अकेले कुछ नहीं कर सकती। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे चाय पीनी है तो चाय पत्ती, चाय पीने के लिए चाय पत्ती मेन चीज़ है, बिना चाय पत्ती के चाय नहीं बन सकती। लेकिन आप चाय पत्ती फांक जाएंगे तो क्या आपको चाय का मज़ा मिलेगा क्या? नहीं ना। उसके लिए शक्कर होनी चाहिए, नमक होना चाहिए, अदरक होनी चाहिए, या और भी जो मसाला डालते हैं वो होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, फिर उसे पकाना चाहिए, फिर वो कप में आती है, तब पीते हैं, तब मज़ा आता है, ऐसा ना। उसी तरीके से ये जड़ी बूटी तब काम करती है जब ये अच्छे क्वालिटी के नुस्खे में यूज की जाती है। जैसे इसमें 8 10 जड़ी बूटी और ऐड होंगी, तब उसमें ये डाली जाएगी, तब ये काम करेगी, ये सिंगल नहीं काम करेगी। अगर कोई जड़ी बूटी सिंगल काम करने लगे तो ये नुस्खे क्यों बनते हैं भाई, बताओ मुझे। क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ जब इसके साथ में पड़ेंगी तो उसमें और भी जड़ी बूटियाँ ऐसी होंगी जो आपका स्पर्म काउंट, क्वालिटी, और अगर स्टैंडिंग प्रॉब्लम और शीघ्र पतन ऐसी दिक्कतें होंगी वो भी सही करेंगी, और वीर्य में इन्फेक्शन होगा उसको भी सही करेंगी। इसलिए फार्मूले नुस्खे का मतलब ज़रूरत होता है, केवल एक सिंगल जड़ी बूटी कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इसे सिंगल कभी ना यूज करें, फार्मूले में यूज करें। अब दिमाग में आ रहा होगा फार्मूला कहाँ से लाए, कौन सा फार्मूला होगा। तो अगर इस वीडियो पे कम से कम मिनिमम अगर मुझे 100 लाइक मिलते हैं
और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 लोग ही कमेंट कर देते हैं कि इस पर एक वीडियो बना दो जिसमें शिवलिंगी के बीज डालना है और एक कंप्लीट फार्मूला बता दो जिससे कि वो दिक्कत दूर हो सके, नील शुक्राणु की, जिनके शुक्राणु कम हैं, जो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हैं, वो लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करें तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, और वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और 3 महीना इस्तेमाल करने के बाद चौथे महीने में या 3 महीने के अंदर ही कभी भी उनकी बीवी को गर्भ ठहर सकता है। ये बात आप कान खोल कर सुन ले। मैंने मैंने गिनाए नहीं कि मैंने कितने पेशेंट की मतलब जिंदगी, मतलब उनकी फैमिली संवारी है। 8 8 10 10 साल, 2 साल, 3 साल, 4 5 6, मतलब 10 10 साल हो गए उनको बच्चा हुआ है मेरी वजह से, मेरे नुस्खे की वजह से। लेकिन मैं कौन होता हूँ शिफा देने वाला? शिफा देने वाले की जात तो ऊपर वाले की है, ठीक है, वो शिफा देता है उस नुस्खे पे, ठीक है। तो नुस्खा आपसे शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगा कि कम से कम 100 लाइक और 10 लोग कम से कम उस वीडियो की डिमांड करें, तभी मैं वो वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो मैं ऐसे मेहनत कर डालता हूँ, अच्छे अच्छे फार्मूले बता डालता हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो, तो मेहनत ख़राब हो जाती है यार। ऐसे ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं जो नुस्खे आपको मतलब कोई डॉक्टर जो है 10,000 रुपये लेके भी नहीं बताएगा, और व्यूज़ पे आए 200। आप बताओ यार, मैं उसे लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन पहुंचते कहाँ पहुंचते हैं। चलो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, फिर से आप फिर से स्किप करके भाग जाएंगे और इसका ऑडियंस रिटेंशन, CTR सब घट जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, दिखा? अब से दाब दीजिए। मुझे लगता है अभी तक आपने दाबा नहीं, दबा दीजिए। बस दाबने में क्या जाता है यार, यूट्यूब आपका नहीं बंद हो जाएगा लेकिन मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। अगर आपका कोई चीज़ मतलब ऐसा है जिसे देने से आपको कुछ घटता नहीं तो दे देना चाहिए, इसीलिए आपको सब्सक्राइब दे देना चाहिए मुझे, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।